हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम ब्लॉगर आगरा। जय श्री कृष्णा गाइस, क्योंकि आज होने वाला है कृष्ण और सुदामा का मिलन। मिलाप बोलो या मिलन बोलो, एक ही बात है ना। तो आज हम दिखाएंगे आपको सुदामा चरित्र। कृष्ण सुदामा से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर उनका किस तरीके से मिलन होता है, बहुत ही भव्य झांकी देखने को मिलेगी। और दर्शन कीजिएगा भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएम ब्लॉगर आगरा। तो मेरे प्रिय सखाएं, तो एक बार मेरे कहने से चले जाओ। सुशीला चार घरों से गई है मांगने के लिए और फटे हुए कपड़े में तंदुर लेकर के आती है। कहते प्यारे प्रभु द्वारका के लिए गमन किया है। सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाय महा दुख पायो हो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सदावा गरीबा गया है। नकते है तुम्हारे महल के गरीबा गया है, गरीबा गया है। सर पे है पगड़ी, नथन पे चले आए मोहन, लगाया कले सुदामा को मोहन आए, लगाया कले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया कले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जद सो पग धोए। और श्री ठाकुर जी शांत किया और भगवान के प्रिय प्यारे पात्र श्री परीक्षित जी की मुक्ति की, सुखदेव जी के गमन की कथा को पूर्ण किया। अब भागवत जी में कहते हैं प्यारे प्रभु, जो अनुक्रमण का है इन सात दिनों में आपने जो श्रवण किया है उसको सूक्ष्म रूप से ध्यान से सुने भाई मेरे प्यारे प्रभु।
प्रथम स्कंद में हमने जिस दिन भागवत प्रारंभ हुई थी भैया, भक्ति योग अनेक प्रकार से श्रृंगी श्राप अनुसन पर बैठे राजऋषि परीक्षित ये सुनाया। महाराज जी विदुर उद्धव संवाद हिरण्यकश्यपु का, हिरण्याक्ष का वध कपिल देवहूति का संवाद आपको श्रवण कराया। चतुर्थ में महाराज जी मरीचि आदि उत्पत्ति दक्ष यज्ञ विध्वंस ध्रुव चरित्र पृथु चरित्र का गान। पंचम में प्रिय व्रत उपाख्यान सुनाया भैया। षष्ठ में दक्ष की संतानों का वर्णन किया। सातवें में हिरण्यकश्यपु का मर्दन प्रहलाद जी की कथा आप सबने श्रवण करी भैया। अष्टम में गजेंद्र बोध देवासुर संग्राम और कहते हैं समुद्र मंथन और वामन अवतार के आपने तीसरे दिन दर्शन किए प्यारे प्रभु। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन किया। राम का चरित्र आपने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा को सुना। दसम स्कंद में गौचारण महाराज जी गोवर्धन लीला पांचवें दिवस आपने श्रवण करी भैया। कहते महाराज जी दसम में उत्तरार्ध में आपने रुकुणी मंगल कल आपने सबने दर्शन किए। और एकादश स्कंद में अभी अभी आपने यदुवंश का संहार सुना भैया, उद्धव कृष्ण जी का संवाद सुना और इस प्रकार से युगों के लक्षण आपने श्रवण करके पुराण को विश्राम देने की स्थिति अब आ गई है भैया। छह शास्त्र चार वेद और 18 पुराणे हमारे यहाँ। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। इसमें किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो कथा के पूरे श्लोक नहीं गाए जाते, इसलिए हमारे यहाँ आचार्य जी ने मूल Thank you.
किसे कन्हैया ने हाँ मैं पागल कर डालू किसे कन्हैया ने भेदा मैं पागल कर डालू श्री भागवत भगवान जी के यार जय हो को पाप से है ता ये मधुर बोल जग पंक्ति को